नाम है मीरा के पल। इसकी लेखिका मीराबाई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीराबाई का जीवन परिचय एकदम संक्षिप्त में। मीराबाई जी का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल पहले उसके पति, फिर पिता और फिर एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। ये तीनों भी जो व्यक्ति थे वो मीराबाई के जीवन में बहुत ही उच्च स्थान के थे, क्योंकि मीराबाई को वो बहुत ही अच्छी तरह से चाहते थे, उसकी देखभाल करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो इन तीनों के मृत्यु के बाद मीराबाई का भौतिक जीवन से निराश हो गई और उसने अपने घर परिवार का त्याग किया और वे वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। ऐसे हमारी मीराबाई जो है उसने लिखे हुए जो पद है उस पद की भी भाषा शैली एक अनोखी है। तो देखते हैं उसकी भाषा शैली कैसी है। मीराबाई के पदों में हमें अक्सर ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया दिखाई देता है। यह भाषा अत्यंत सहज, सरल और सुबोध होती है। भाषा में मधुरता और कोमलता के गुण विद्यमान है। तो बच्चों, ऐसे हमारी मीराबाई के पद हैं। हमें इस पाठ में मीराबाई ने केवल दो ही पदों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उसे लिखा हुआ है। उन दो ही पदों को हम देखेंगे। सबसे पहला पद जो है, इस पद में मीराबाई ने अपने कृष्ण को अनेक उदाहरण यानी उदाहरण देकर उसे यह समझाने का प्रयास किया हुआ है कि वो हर एक भक्त के दुख को जानता है, समझता है और उनकी सहायता करता है, उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करता है। तो वो जो उदाहरण उसने दिए हैं वो उदाहरणों से वो यही समझाना चाहती है, सबकी पीड़ा तुम जानते हो तो फिर तुम मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझते और मेरे दुख को दूर क्यों नहीं करते। तो देखते हैं मीराबाई का पहला पद जिसमें उसने किस किस की उलहना दी है, यानी उदाहरण देकर कृष्ण को वो क्या समझाना चाहते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरी धरियो आप शरीर, वर्तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यहाँ पर हरि यानी कृष्ण को संबोधित किया है, हरो का अर्थ है दूर करो, जन यानी सेवक, भीर यानी पीड़ा, लाज राखी यानी इज्जत बचाई, चीर का अर्थ है वस्त्र, नरहरि यानी नरसिंह जिसका आधा शरीर नर है और आधा सिंह की तरह है, धरियो यानी धारण किया, राख्यो यानी रक्षा की, काटी कुंजर पीर यानी हाथी को मगरमच्छ की पीड़ा से मुक्त किया, म्हारी यानी मेरी अथवा हमारी। तो देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। मीराबाई अपने आराध्य देव कृष्ण से कहती है कि आप लोगों की पीड़ा को दूर करते हो। जैसे कि महाभारत में जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र ग्रहण करना चाहा, तब द्रौपदी ने उसे पुकारा, तब आपने उसकी पीड़ा को देखा, जाना, समझा और अपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी। उसी तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद की भी रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था।
उसके प्राणों की रक्षा की। अपने आपने डूबते हुए गजराज को भी बचाया था जो पानी में मगरमच्छ के जाल में फंसा हुआ था। उसी हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को भी आपने मारा था। दासी मीराबाई जो है वो कृष्ण से यही कहती है, यही तीन उलहनार करती है, उदाहरण देती है द्रौपदी का, भक्त प्रहलाद और गजराज का उदाहरण देकर वो यही समझाना चाहती है और प्रार्थना करती है कि आप मेरी पीड़ा को क्यों नहीं दूर कर सकते। सब इन सबकी पीड़ा समझते हो, उन सबकी पीड़ाओं को तुम दूर कर रहे हो, तो हे कृष्ण तुम मेरी पीड़ा को भी दूर करो। मेरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना चाहती है। यानी मीराबाई ने यहाँ पर अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा उसकी यही है कि अपने कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाए। तो इस तरह से वो केवल यही चाहती है कि उसे अपने कृष्ण के एक बार दर्शन मिले तो वो बहुत ही धन्य हो जाएगी और बाकी का सारा जीवन उसके भक्ति में वो पूरी तरह से निकल डालेगी, यानी लीन हो जाएगी। तो इस तरह से रहा मीराबाई का पहला पद। अब यहाँ पर दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद में उन्होंने कुछ पंक्तियों में अपने कृष्ण को यह समझाना चाहती है कि तुम मुझे दर्शन देने के लिए अलग समय भी मत दो। तुम अगर अपने कामों में व्यस्त हो तो तुम मुझे दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि वो किस तरह से अपने मीराबाई को दर्शन दे सकते हैं उसके बारे में मीराबाई ने उसे बताया है कि वो क्या कर सकते हैं। और कुछ अगले पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि अपना कृष्ण जो है, उस कृष्ण का अपने आराध्य देवता उसने वर्णन किया है, उसका रूप सौंदर्य के बारे में उसने कुछ पंक्तियों में बताया गया है। तो चलो पढ़ते हैं मीराबाई के दूसरा पद जिसमें दो प्रकार के अलग अलग अर्थ छुपे हुए हैं। तो देखते हैं मीराबाई का दूसरा पद। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर जैसु बाग लगासु, नितोत दर्शन प्यासु, वृंदावनरी गूंज गली में गोविंद लीला गासु, चाकरी में दर्शन प्यासु सुमरन प्यासु खर्ची, भाव भक्ति जागरी प्यासु तीन बाता सरसे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में देव चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन प्यासू पहन कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मेरा राज प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घुनो अंधियारा। बच्चों यहाँ पर कुछ थोड़े से आपको कठिन शब्द लग रहे हैं, हम पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि उनका अर्थ क्या है। यहाँ पर पीतांबर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं, वैजंती माला यानी वन में उगने वाले फूलों की माला, धेनु यानी गाय, बनाऊं बारी यानी फूलों की क्यारी यानी छोटा सा बगीचा जो बालकनी में वगैरह बनाया जाता है छोटी सी जगह पर, उसे कहते हैं फूलों की क्यारी। सावरिया यानी श्री कृष्ण को संबोधित किया हुआ है मीराबाई ने। माने यानी मुझे, रहतु यानी रहूंगी, कुंज यानी बाग, गासु यानी गाऊंगी, सुमरण यानी स्मरण, सरसी यानी पूर्ण होगी, कुसुम्बी यानी लाल रंग वाली,
बीजो यानी बेदिया। नांगर का यहाँ पर अर्थ है चतुर और फ्लूडो का अर्थ है हृदय। तो देखते हैं मीराबाई का जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में उसका भावार्थ समझ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मीराबाई ने अपने कृष्ण को दर्शन देने के लिए युक्ति बताई है, तो वो क्या है देखो। मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि हे गिरधरी लाल, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे बनाऊंगी और जब तुम रोज सुबह उस बगीचा में घूमने आओगे तब तुम्हारे प्रतिदिन मुझे दर्शन मिल सकेंगे। यानी तुम्हें मेरे लिए अलग ऐसे समय नहीं देना पड़ेगा, तो इस तरह से तुम्हारे रोज मुझे दर्शन मिल जाएंगे और मैं वृंदावन की गूंज गलियों में तुम्हारे गुणगान करूंगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन का अवसर ही मिल जाएगा। और इस तरह से वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा यानी दासी बनना चाहती हूँ, नौकर बनना चाहती हूँ, तो उसके बदले में तुम मुझे जो खर्ची यानी जो पैसे दोगे उसका मुझे कोई लेन देन नहीं है। मेरी खर्ची तो यही है कि तुम्हारा स्मरण, तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी भक्ति, यही अगर करने का मौका जब तुम मुझे दोगे तो वही मेरी क्या हो गई, खर्ची हो गई। इस प्रकार मेरा भाई कहती है कि मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी, यानी उसके बदले मोह बदला मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले जो पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों में मीराबाई ने यही समझाया है कि वो कृष्ण को आसान रास्ता बता रही है कि तुम मुझे दासी बनाकर रख लो तो तुम्हारे दर्शन रोज मुझे मिल जाएंगे। बाकी जो आखिरी पंक्तियाँ हैं, उन आखिरी पंक्तियों में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि कृष्ण के सिर पर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में वैजंती माला है, वे वृंदावन में गायों को चढ़ाता है और मन को मोहित करने वाली मुरली भी बजाता है। वृंदावन में कृष्ण के भव्य ऊंचे महल हैं, उसी के बीचों बीच सुंदर फूलों की फुलवारी मैं बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगी। वो ये भी कहती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर मीराबाई ने अपने कृष्ण को खुद ही एक आसान तरीका वो अपने कृष्ण को बता रही है कि तुम मुझे दासी बनाकर रखो तो मुझे नित्य तुम्हारे दर्शन मिलेंगे, मैं तुम्हारे गुणगान वृंदावन की गलियों में गाती फिरूंगी और फुलवारी फिलवाऊंगी तथा तुम रात के भी समय यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे मुझे मिलने के लिए कहोगे तो भी मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से वो चाहती है कि केवल उससे क्या चाहिए, अपने प्रभु के दर्शन उसे चाहिए। यही एक दर्शन पाने के लिए वो अपने कृष्ण से कितनी याचना कर रही है, विनती कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर मीराबाई ने अपने इस पदों में अपने भगवान, अपने आराध्य देव कृष्ण के बारे में यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की हुई है। बच्चों, इस कविता के दोनों भी पदों को अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें दिए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को अपने कॉपी में लिखवा कर इसके भावार्थ को भी लिखवाना जरूरी है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।